तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इलेक्टिव कोर्स है और आज के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन होगा कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्लासेस से फिर हम डिस्कस कर देंगे कि और कोर्स आउटलाइन में अभी आपको साथ ही बता दूंगा। तो पहली बात ये कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किस बैकग्राउंड के लोगों को पढ़नी चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। तो इन सब चीजों में जो पहली चीज है, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स का अगर नाम है तो नेचुरल लैंग्वेज खुद क्या होती है। कंप्यूटर साइंस में खास तौर पे क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ज्यादा वास्ता पड़ता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हम जो लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं। और फिर ऑटोमेटा थ्योरी में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इस कोर्स में नेचुरल लैंग्वेज में लैंग्वेज का मतलब वही है जिसे आम जबान में लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, चाइनीज वगैरह। तो हमें ह्यूमन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करना है और जाहिर है हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे से ह्यूमन लैंग्वेज में होती है तो इसे प्रोसेस करना एक ज्यादा बड़ा टास्क है। हम स्पेशली डेटाबेस डिजाइन करते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, फॉर्म्स डिजाइन करते हैं, फॉर्म्स में डेटा फिल कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम आपस में बात कर रहे होते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस में। तो ह्यूमन लैंग्वेज में जो हम डेटा जनरेट करते हैं वो डिजिटल डेटा से या आर्टिफिशियल डेटा से जो हम डेटाबेस के लिए क्रिएट करते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। तो उस डेटा को प्रोसेस करना करके हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन हो सकती है और इसलिए ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज के कोर्स में मैं यही वाली बात प्रूव करने बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा कि एनएलपी क्या है। अगर आज से 15 साल पहले आप कहते तो एनएलपी का एक सीधी सी डेफिनेशन थी, सीधे से स्टेप्स थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज के दौर में और पिछले खासतौर पर पिछले 2-3 साल में एनएलपी बहुत कुछ हो गई है। यानी एनएलपी को मुख्तलिफ लोग अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स लेकर। इसीलिए इसके आप एक से पूछेंगे तो वो एनएलपी को कुछ और कहेगा और दूसरे से पूछेंगे तो एनएलपी को कुछ और कहेगा। आज के लेक्चर में यही डिस्कस करना है कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं और उसमें से फिर आपके काम का क्या है और आप उसको क्या डील करेंगे। तो एनएलपी की इस वक्त हालत जो है वो जो चार अंधे और एक हाथी वाली एग्जाम्पल थी कि चार अंधों ने एक हाथी देखा और उसके बाद जिसने उसके पेट पे हाथ रखा उसने कहा ये दीवार जैसा है, जिसने उसके दांत पे हाथ रखा तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल स्टिक जैसा है, लकड़ी जैसा है, जिसने पैर देखे उसने कहा ये पिलर जैसा है। तो यही बात एनएलपी की भी है कि कुछ लोग इसे कंप्यूटेशनल ग्रामर के हिसाब से देखते हैं और मेरी स्पेशलिटी कंप्यूटेशनल ग्रामर है, लेकिन मैं शायद कंप्यूटेशनल ग्रामर में 20% टाइम दूंगा और दूसरी चीजों पे ज्यादा दूंगा। फिर कुछ लोग इसे टेक्स्ट माइनिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कुछ लोग इसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कुछ लोग इसे मशीन ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि आपको क्या चीज बनानी है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक पूरा कोर्स है, मशीन ट्रांसलेशन या टेक्स्ट माइनिंग पे भी पूरे कोर्सेज हो सकते हैं। तो एनएलपी में हमें एक ओवरव्यू लेना है कि एनएलपी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कौन कौन सी टास्क और टेक्निक्स चल रही हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व होने हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एनएलपी एंड द कोर्स। अच्छा, जनरली जब मैं उस पर आऊंगा तो बात करते हैं। अभी तक एवरीथिंग ओके? एक कोई एक मुझे ओके कह दे। हाँ, यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एनएलपी एंड कोर्स। तो पहला पार्ट के एनएलपी होती क्या है,
एनएलपी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज, अगर मैं यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिए बगैर चला गया, लेकिन अगर डेफिनेशन में देता तो ये होती कि द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, द कंप्यूटर प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, लैंग्वेजेस को प्रोसेस करने के लिए या लैंग्वेजेस को समझने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और हमारा एनएलपी उसमें कहाँ है। तो लैंग्वेजेस को डील करने के दो तरीके हैं, एक ये है कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस, और ये तकरीबन 2-3 हज़ार साल से ये होता हुआ चला आ रहा है लिंग्विस्टिक एनालिसिस, जो ग्रामर आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, इंटर में पढ़ी होगी और उससे मैट्रिक से पहले सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी होगी, तो उसमें ग्रामर एक्सप्लेन की जाती है। इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद उसमें ये लिखा हुआ था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो उसमें लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो पैराग्राफ्स और टेक्स्ट की फॉर्म में होती है और लोग उससे समझ जाते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर्स पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी जाती थी, जो आपने मैट्रिक और इंटर और सेकेंडरी में की ग्रामर की बुक्स में पढ़ी होगी, तो वो भी एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस है लेकिन वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो किसी तरह से मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना रहा। फिर दूसरी चीज जो लैंग्वेज को किस तरह से मॉडल करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को, चाहे उस पर कंप्यूटेशन करें या ना करें वो बात नहीं है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस में सिर्फ ये होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को आप किस तरह से मॉडल करेंगे। तो दूसरा मेथड आया फॉर्मल ग्रामर्स, जो चॉम्स्की ने 1950s में प्रेजेंट किया, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में या एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आप पढ़ते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। तो लैंग्वेजेस को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने को चॉम्स्की ने एक्सप्लेन किया 1950s में, तो वो ग्रामर फिर पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं लिखने लगी बल्कि मैथमेटिकल फार्मूलों के तौर पर लिखने लगे। कंप्यूटर साइंस वाले हैं हम, हमें तो पता है कि वो मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता, मैथमेटिकल नोटेशन होता है, लेकिन अगर आप उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के किसी शख्स से पूछें तो उसे लगेगा कि कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला ही लिखा हुआ है। तो चॉम्स्की ने वो कुछ प्रोड्यूस किया जो आप ऑटोमेटा में पढ़ते हैं, और उसमें उसके हिसाब से लैंग्वेज को भी मॉडल करने लगे। हिस्टोरिकली ये काम पहले 4th century BC में पाणिनि ने, जो टेक्सिला में होता था, उसने संस्कृत के लिए भी किया था, इसी तरह के फॉर्मल नोटेशंस मौजूद थे। तो 50s में आके जब दो काम हुए और दोनों पैरेलल हुए, एक तो कंप्यूटर ईजाद हुआ तो लोगों को ने कंप्यूटेशन करनी शुरू की, और चॉम्स्की ने इंडिपेंडेंटली लैंग्वेज के फॉर्मल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस पे भी अप्लाई होते हैं, यानी वो सी पे भी अप्लाई होंगे और वो उर्दू पे भी अप्लाई होंगे। तो ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस है कि कुछ लिंग्विस्ट्स इस तरह से डील कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले किस तरह से डील करते हैं इसे? कंप्यूटर साइंस में दो सब्जेक्ट्स हैं जो तकरीबन सैनोनिम हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इन दोनों में मॉडलिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस या प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस डील हो रही होती है। आप सर्च कर लें यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स, नॉर्मली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की, आपको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का कोर्स मिले या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स मिले, आजकल के दौर में दोनों तकरीबन इक्विवेलेंट है। जब ये डिफाइन किए गए थे तो इन दोनों का रिलेशन वही है जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम एनालिसिस का है। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम स्ट्रक्चर्स बता रहे होते हैं, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स है, और एल्गोरिथम एनालिसिस में उन स्ट्रक्चर्स पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उनको डील कर रहे होते हैं। तो दूसरा काम फिर उसमें चला जाता है कि वो प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं, लेकिन आप दोनों एल्गोरिथम एनालिसिस डेटा स्ट्रक्चर के बगैर नहीं पढ़ सकते और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एनालिसिस के बगैर नहीं पढ़ सकते। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स का नाम है, लेकिन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज के दौर में इक्विवेलेंट ही है। तो हम कंप्यूटर साइंस में है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिंग्विस्टिक एनालिसिस की अगर कोई इंफॉर्मेशन की में से जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की होगी उसे यूज करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेजेस और किस तरह से प्रोसेस होती हैं, और कोई कोर्स हो सकता है जो डील कर रहा हो लैंग्वेजेस को? तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो गया जिसमें फॉर्मली लैंग्वेज के
मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, जिस जो चॉम्स्की लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के ब्रेन किस तरह से प्रोसेस करता है। जब हम सुन रहे हैं, आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग का इस वक्त सीटी स्कैन किया जाए तो उसमें, या एमआरआई स्कैनिंग की जाए तो उस वक्त कौन से हिस्से किस वर्ड को प्रोसेस कर रहे होंगे, ये लोगों ने ये बहुत सारी स्टडी की है। सोशो लिंग्विस्टिक्स के जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं उससे आपके बारे में क्या पता चलता है, मैं जो बोल रहा हूँ इसके से आपको क्या पता चल रहा है कि मेरी तालीम कितनी है, मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है, और ये सारी चीजें, तो ये सोशल लिंग्विस्टिक्स में आता है। लेकिन ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये बताना था कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, और उसमें से हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग थ्रू कंप्यूटर्स जो NLP है उसको फोकस कर रहे हैं, और बाकी चीजें डायरेक्टली फोकस नहीं करेंगे जब तक वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के अंडर में ना आ जाए। तो ये कुछ फील्ड्स हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड स्किल सेट, ये कोर्स अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए अगर आप NLP पे एडवांस काम करने जा रहे हैं। तो एक चीज तो जाहिर है, आपको NLP एंड कंप्यूटेशनल स्किल और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ये तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगी। दूसरी चीज, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्यों? क्योंकि अभी हम पहला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीक वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस होगा, तो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को हम ऑटोमेटा थ्योरी, फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर्स के जरिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए एक्सप्लेन मॉडल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा थ्योरी पढ़नी चाहिए। फिर उनके कंपाइलर बना रहे होते हैं, जिस तरह से सी का कंपाइलर बनता है, इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश या उर्दू का भी कंपाइलर बन सकता है, डबल कोट कंपाइलर जिसे पार्सर कहेंगे वो बन सकता है जो उसे पार्स करे। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ये आना चाहिए। ये अलग बात है कि आजकल मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा हो गई है कि ये चीज कोर्स से तकरीबन निकलती जा रही है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अगर 10-15 साल पीछे जाएं तो 70% कोर्स कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की एडवांस फॉर्म होता था, आज 70% कोर्स जो है ना वो मशीन लर्निंग की एडवांस फॉर्म होता है। तो शिफ्ट चेंज हो गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एल्गोरिथम एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, मशीन लर्निंग आपको आनी चाहिए और दूसरी बात एल्गोरिथम एनालिसिस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग में हम देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी हम मिलियंस ऑफ वर्ड्स को या बिलियंस ऑफ वर्ड्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, और अगर हमें विद इन सेकेंड आंसर देना है या विद इन मिली सेकेंड आंसर देना है तो अच्छा एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए उसको, सिर्फ अच्छा एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए, उसे एफिशिएंट भी होना चाहिए। एक ऐसा एल्गोरिथम जो 3 मिनट बाद जवाब दे और बहुत अच्छा जवाब दे, उससे एक एवरेज एल्गोरिथम बेहतर है जो विद इन अ सेकेंड जवाब दे दे। तो एल्गोरिथम एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से ट्यून करें अपने सिस्टम को, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो लिंग्विस्टिक्स की तरफ से खासतौर पे आ रहा होता है, लेकिन उसे बड़े सिस्टम पे हम मॉडल ही नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े सिस्टम पे वो मिनटों या घंटों लगाएगा आंसर देने में, जबकि हमें सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स में आंसर चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड स्किल सेट है, और इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अच्छा, फिर रिक्वायर्ड स्किल सेट लिंग्विस्टिक्स में से क्या आना चाहिए, तो वो थ्योरेटिकल एंड फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स आपको आनी चाहिए और एनोटेशन आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल एंड फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है और एनोटेशन क्या होती है, ये मैं पहले दो क्लासेस में लिंग्विस्टिक्स की जो होंगी वो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, एनोटेशन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, अभी जो इसका सेकंड पार्ट है वो यही एक्सप्लेन करेगा। अब ये पहली क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट का कोई प्रीरिक्विजिट कोर्स तो नहीं है? इसका प्रीरिक्विजिट कोर्स नहीं है, इसकी वजह जो है, जैसे मैं हूं, मैंने ML इसी सेमेस्टर में लिया है, वो ML के साथ-साथ अगर हम ये पढ़ेंगे तो वी कैन कवर एवरीथिंग।
हाँ आप कवर कर सकते हैं। एमएल वाले मामले में होगा ये कि इस कोर्स में हम मशीन लर्निंग सिस्टम्स को एज अ ब्लैक बॉक्स कंसीडर करेंगे, यानी नाइव बेस जो है, अच्छा ठीक है ठीक नाइव बेस जो है उसका फार्मूला आप क्या होता है, हो सकता है हम डिस्कस ना करें, वो आप वहां डिस्कस करें, यहाँ उसकी एप्लीकेशन क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है, उसके मैथमेटिक्स क्या है, वो मशीन लर्निंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ सिनेरियो बताऊंगा कि इस सिनेरियो में सपोर्ट वेक्टर मशीन इस्तेमाल हो सकती है, तो उन ब्लैक बॉक्स कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और उसके बाद फिर डील करेंगे कि क्या करना है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अच्छा अजान हो रही है, क्या हम 10 मिनट का ब्रेक ले लें नमाज के लिए, और उसके बाद, इस वक्त 6:30 हो रहे हैं, 6:40 पे मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक ठीक ओके है, सर तो स्टॉप शेयरिंग। और दूसरी बात यह है कि, और सवाल आप लोग सोच के रखिएगा, तो पहले हम और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। पॉज रिकॉर्डिंग कैसे होती है? चलो राइट मोस्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वहां से हो जाएगा रिकॉर्डिंग। मोस्ट राइट मोस्ट बॉटम पे 3 डॉट्स आ रहे हैं प्रेजेंट नाउ के बराबर में, उस पे क्लिक करें, वहां से स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से। नहीं, वो सिर्फ स्टॉप कह रहा है, वो पॉज है या खत्म है, एंड है, ओ स्टॉप आई थिंक एंड हो जाएगी फिर। सेमेंटिक्स क्या है सर? पॉज नहीं होता इसमें, ये बंद हो जाएगी, स्टॉप करनी पड़ेगी आपको। मेरे ख्याल है ऐसे छोड़नी मैं पड़ेगी चलने दूं, अभी चलने देता हूँ। सर। न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जब आप स्टार्ट करेंगे, और वो आपकी ECID की ड्राइव पे जाके खुद ही सेव हो जाएगी। खुद ही हो जाएगी। जी ओके, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद आता हूँ।